नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा और आ गए हम आओ सीखें जाली बनाए के नए क्लास में। आज है क्लास का 9वां दिन, 9th क्लास आज। और आज हम आपको बता रहे, जैसे कि आप फिगर में देख रहे, इस तरह का टिपिकल जो जाली होता है, इसको इजी तरीके से कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं। इस तरह के डिज़ाइन अगर आपके पास आता है तो आप हाथ पैर मत फुलवाइए, बहुत आसानी से बनता है सब डिज़ाइन। इसको ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन हम लोग बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे चैनल डैम डिज़ाइन टेक के एरा। किसी पार्टी ने ये दिया, ठीक है। ये बिल्डिंग इस तरह का था। देखिए दोस्तों, पहले तो आप बेसिक देख लीजिए, दिक्कत क्या है। किसी ने हमको ये इस तरह का ये दिया, मतलब ये जाली आप बना के दीजिए, ठीक है। ये आउटडोर जाली है, सीमेंट बोर्ड में कटा होगा या फिर मेटल में होगा, कहीं कुछ हो सकता है, ठीक है। तो पहला बात तो पहले इस जाली को हम लोग सीधा करते हैं ना, ये फोटोशॉप में जाके सीधा करते हैं। अगर कोई हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके फोटोशॉप में आप जाके देख सकते हैं। ये अगर टेढ़ा इस तरह का फिगर आने पर हम उसको फोटोशॉप में जाके कैसे सीधा करते हैं, अब हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो प्रॉपर बनाया हुआ है, ठीक है। तो पहले हमने ये सीधा करके लेकर आ गया, ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूँ, मैं लेकर आकर इसको सबसे पहले लॉक करता हूँ। अभी अनलॉक किया, पहले मैं डिज़ाइन को लाकर लॉक किया, ठीक है। अब देखिए, इसमें ध्यान से हम लोग देखते हैं, देखिए क्या है इसमें। अगर इस पार्ट को बना देंगे तो ये पूरा आपका फटाफट सब बनने लगेगा, ठीक है। तो पार्ट कौन सा है, बाद में तो चलना चाहिए कौन सा पार्ट। तो ये देखिए, ये पार्ट, ओनली ये पार्ट को अगर आप बना देंगे तो फिर आपका फिर कहानी खत्म है, जाली का कहानी खत्म है ना। तो सबसे बड़ा चीज़ है, देखिए ये टेढ़ा बनाने में हमको बहुत दिक्कत है। तो हम लोग डिज़ाइन को ही टेढ़ा कर देते, उसका उसी का कान पकड़ के हम लोग सीधा कर देते हैं। अपने कहें को सीधा होंगे, भाई तुम ही टेढ़ा हो जाओ। अब इसको हम देखिए, ये देखिए इसी तरह, ये गाइडलाइन खींचा हुआ उसी को ऊपर लाने के लिए, ठीक है। ये इसको भी साथ में चाहिए थे, इस तरफ से हम लोग सीधा करते हैं। ये हो जा भाई, हो जा। अरे यार क्या हो रहा है इसको, हाँ ये हो गया। ठीक है, अभी भी नहीं हुआ, बड़ा बदमाश है यार। चलिए हो गया, ओके। ये डिज़ाइन हमारा ये हो गया। हमने क्या किया, ये इतने पार्ट्स अपने को बनाना है। फिर से हम एक बॉक्स बनाता, कंट्रोल शिफ्ट दबाते चारों तरफ, सिमिलर लंबाई चौड़ाई होगा। तो ये बनाया हमने, इसको 45 डिग्री पर हमने कर दिया। देखिए सब दोस्तों, अंदाज पर ही सारा कुछ लिया जाता है, अंदाज पर ही दुनिया कायम है, ठीक है। एक बॉक्स लेते हैं इसका अंदाज बनाने के लिए, ये रहा बॉक्स हमारा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो जाए भाई, इसका सब सेंटर अलाइनमेंट करें। देखिए ये हो गया बराबर, अब थोड़ा सा इसको पतला करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा पतला, ओके। इसी बॉक्स को हम किनारे करेंगे, एक इसका लाइन निकाल लेंगे, ठीक है। नया लाइन खींचने से अच्छा हम इसी का लाइन निकाल लेते हैं, ओके। ब्रेक कर दिया, डिलीट कर दिया, पूरा डिंग डोंग हो गया। अब इसको इसके साथ पकड़ के सेंटर अलाइनमेंट, देखिए सब सेंटर अलाइनमेंट में है,
डिजाइन को देख के कभी भी हड़कने का नहीं है, है ना। कैसा भी डिजाइन हो, जितना इजी वे में लीजिएगा उतना आसानी से बनेगा। ये क्या है यार, ये तो कैसे होगा, इतना इतना घिजर गिरे, इतना छोटा छोटा है, कैसे करेंगे, तबीयत खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, मुंडी खराब हो जाएगा, ये लो, ठीक है, ओके। आप खाली देखो हम क्या कर रहे हैं। ये एक एक बॉक्स है, देखिए सब सेंट्रल अलाइनमेंट में, ये हमारा डिज़ाइन हो गया है रेडी, ओके। अब देखिए वर्चुअल टूल्स सेगमेंट डिलीट, वर्चुअल मतलब जो दिख रहा है वो डिलीट हो जाएगा, उसमें कोई ऑप्शन हो चाहे नहीं हो। तो पहले ये वाला जो चीज़ है हम ये सब तो बेकार हैं, हमें ये सब डिलीट कर दिया, ओके। जिसको छुएंगे डिलीट हो जाएगा, ये भी डिलीट हो गया, ठीक है। ठीक है, देखो ये बाहर का लाइन कट गया। अब आते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। जो जो चीज़ नहीं चाहिए आपको, ये चीज़ नहीं चाहिए हमको, ये चीज़ नहीं चाहिए, वैसे ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। जो जो नहीं चाहिए आपको हटा देना। अब इसमें देखिए एक चीज़ और है, ये वाला जो लाइन है ये आपस में देखिए यहाँ पर मैच करेगा, मिलेगा ये, तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा क्या यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा गया, हम एक फिर से ही बना लेते हैं, ठीक है। कलर चेंज करके देखते हैं, ठीक क्रॉसिंग में हो रहा है कि नहीं, ठीक है, सब क्रॉसिंग हो रहा है, ठीक है। अब इसको फिर से डिलीट कर देते हैं, और ये सारा दोस्तों हम आउटलाइन से बनाते हैं, क्यों, क्योंकि शुरू में ही बताया था कि आउटलाइन से बनाने से क्या होता है ना कि हम उसको मल्टीपल पेस्ट करेंगे तो वो ठीक बीचों बीच जाता है, और अगर ऑब्जेक्ट में करके करेंगे तो वो बीचों बीच नहीं जाएगा। देखिए ये भी हम अपने को नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ओके। ये बन गया दोस्तों, इतना बन गया, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों सब पूछा ना ठीक ठाक, कुछ चीज छूटा हुआ है, छूटा है देख लो, ये देखो ये चीज नहीं चाहिए अपने को, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए। अब सब चीज है, अब इसको हम लोग ग्रुप कर लिए, ठीक है। अब इसको सीधा कर लिया पहले, और इसको 90 डिग्री कर लिए, एक डिज़ाइन के पास लेकर आ गया, मतलब 90 डिग्री मतलब एक डिज़ाइन के पास। अरे यार तुम लॉक हो जाओ। अब इसको किसी डिज़ाइन के पास हम लोग ले जाके मैच करा देते हैं, नाइन्टी डिग्री और जीरो डिग्री, नहीं जीरो कैसे, 45 ना, 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ये डिज़ाइन के पास आ गया, ठीक है। इसको पकड़ के कंट्रोल पकड़ के हम जस्ट देखिए डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। ये दोनों को पकड़ा, फिर देखिए डुप्लीकेट करता है, अब देखिए डिज़ाइन पर डिज़ाइन मैच कर रहा है कि नहीं,
देखो दोस्तों कितना आसान है, ये फिर पूरा एक साथ हम पकड़े, फिर पूरा पकड़े एक साथ। अब इसको आउटलाइन को हम ब्लैक करते हैं, ओके, अब बाहर लेकर आ जाते हैं, हम डिजाइन का कोई मतलब नहीं, ठीक है। या फिर यहाँ से हम इसको कॉपी कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में जाके, ठीक है, नीचे की तरफ एक, ओके, ये बन गया दोस्तों। अब इसको आउटलाइन को हम मोटा करते हैं, चार, अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा ही मोटा हो गया, दो, अरे ये बहुत कमती हो गया यार, क्या बोले, हाँ ये देखिए ये हुआ। अब इसको अनग्रुप करते हैं, क्यों, क्योंकि अब हमारा डिज़ाइन हो गया कंप्लीट, अब हम आउटलाइन को कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के लिए कहाँ जाएंगे, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, ठीक है। अब इसको कर देंगे वेल्ड, आपस में सब वेल्ड होगी, ठीक है। अब देखिए ये बन गया दोस्तों डिजाइन, अब आप इसको चेक कर सकते हैं एकदम 00 है कि नहीं, तो दोस्तों देखिए कितना इजी वे में बन गया। अब इसको मैं आउटलाइन निकाल के भी आपको दिखा देता हूँ वायर फ्रेम में, देखिए एकदम एग्जैक्ट है कि नहीं। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि कोई भी डिज़ाइन हो टेंशन नहीं लेने का, बहुत इजी वे में चलिए, छोटा से छोटा चीज़ बनाइए और उसको मल्टीपल पेस्ट कीजिए, ज़्यादातर 99% इसी तरह का डिज़ाइन आपको मिलेगा। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है दोस्तों को, अगर कोई इस चैनल पर नया है तो बेल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के घंटी को भी दबा दें। अब इसमें आउटलाइन बनाना है, मार्जिन बनाना है, तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि साइज में कैसे करते हैं। ये डिज़ाइन हमारा अब रेडी है, ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।